चुनाव से पहले की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे नीतीश कुमार, क्या होगा उनका आगे का एजेंडा, इन्हीं सब पर बात करने के लिए आइए हम आपको सीधे इस वक्त पटना लिए चलते हैं, जहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, ये गद्दी आप ही की थी, आप ही ने त्यागी और अब आपने एक बार फिर से उस पर कब्जा जमा लिया है। तो पिछली बार आप सीएम बने और इस बार सीएम बने, क्या फर्क लग रहा है आपको? जिम्मेवारी स्वीकार कर लिए, जिम्मेवारी स्वीकारी है। सर, वक्त आपके पास बहुत कम है, क्या रहेगा नीतीश कुमार का चौथी इनिंग्स में एजेंडा? हमारा एजेंडा पहले से तय है, गवर्नेंस का एजेंडा है, हमारी प्राथमिकता वही है और उसी पर हम काम करते रहे, उसी पर आगे काम करेंगे। बीच में कोई कमी आई है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पर लोग कहते हैं कि 6 महीने में आखिरकार नीतीश कुमार कर क्या पाएंगे? आप चुनाव लड़ेंगे, सरकार चलाएंगे, ध्यान आपका बटा नहीं रहेगा? चुनाव तो जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद चुनाव की तैयारी होगी, अभी तो चुनाव है नहीं। अभी तो जो समय है और लोगों ने जो मैंडेट दिया था, ठीक है बीच में हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर से जब जिम्मेवारी संभाली है तो लोगों का मैंडेट है और जिस बात को लेकर मैंडेट है वह है सुशासन को लेकर, वो गुड गवर्नेंस के लिए है। जो लोगों ने काम को देखा और काम से संतुष्ट थे इसलिए उन्होंने दोबारा अवसर दिया था। सर, 6 महीने में ना सड़क बन सकती है, ना उद्योग आ सकता है, 6 महीने में आखिरकार अब कर क्या पाएंगे? सड़कें तो खूब बनी हैं पिछले 8.5 वर्षों में, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने में ही कुछ कर देना है। जो काम हो रहा था वो काम सुचारू रूप से आगे चले, देखना यही है। ऐसा कोई काम नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बुनियादी ढांचे का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है, एग्रीकल्चर हो, बिजली की स्थिति, तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है उसके परिणाम आ रहे हैं और उस गति को तेज करना है। कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ 6 महीना में ही कर देना, काम हो रहा था, अगर कहीं कोई कमी रही है तो उसको फिर दूर करेंगे। सर, 20 फरवरी से पहले हमने आपका इंटरव्यू किया, जोर कम था उसमें आपने कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, बड़ी गंदी गेम चल रही है। आखिरकार तो बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, एक भी आपका विधायक नहीं तोड़ा, तो आपको लगता है कि थोड़ा आपने अतिशयोक्ति कर दी? कामयाब नहीं हुए, उनका एक नहीं प्रतिदिन का स्टेटमेंट था बीजेपी के नेताओं का कि जनता दल यू के 50 MLA उनके संपर्क में है, और हर बार हम लोगों की तरफ से कहा जाता था कि संपर्क में है तो ले जाइए और सरकार बना लीजिए। लेकिन उनका काम है इस तरह की अफवाहें फैलाना, इस तरह का माहौल पैदा करना, और पिछले 2 सप्ताह में बहुत ही माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। लेकिन फिर भी हमारे साथी चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे और जिन दलों ने जनता दल यू के फैसले का समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट रहे, उसी का परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान फेल कर गया, लड़ने के पहले ही मैदान से हट गए। सर, आप कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और वो विफल रहे? अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ काम था और जिस ढंग से कोशिशें हुई ये तो जगजाहिर हैं, और पिछले 2 सप्ताह तो यही बात हुई। और अब मैंने जिम्मेवारी संभाल ली है तो उन बातों से आगे बढ़ते हुए अब हमें बिहार की सेवा करनी है, बिहार की खिदमत करनी है। सर, नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स मामले में हैं, तो उन्हें विफलता मिल गई, जिनसे आपका 36 का आंकड़ा है, जिनके नाम पर आपने बीजेपी से 17 साल का अपना अलायंस तोड़ दिया था, आज की तारीख में वो प्रधानमंत्री हैं और आप बिहार के मुख्यमंत्री। अब जब वो पटना आते हैं या दिल्ली आते हैं तो क्या होगा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच? क्या होना है? बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के हित में केंद्र सरकार से सहयोग करेंगे, उनसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो है नहीं।
राजनीतिक रूप से अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारा है, तो अपनी जगह पर है। पर खटास तो खूब है सर, लेकिन जो इतना सरल नहीं काम है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आपका जो रिश्ता है वो काफी बिगड़ा हुआ है और उसमें एक पर्सनल एज भी है सर, ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक फर्क है लेकिन इसमें कुछ पर्सनल भी है। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, ये तो सरकार का काम है, जनता का काम है, इसमें व्यक्तिगत रिश्ते तो आड़े नहीं आएंगे। मेरी तरफ से तो कोई इस प्रकार का है ही नहीं कोई भाव। पर आपने एक लेख लिखा जिसमें आपने कहा कि आप जो भी मतभेद है, जो भी मतभेद है वो तो वैचारिक है और राजनीतिक है, कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। व्यक्तिगत कोई जिसको कहिए विद्वेष या कटुता तो नहीं है मेरी तरफ से मेरे मन में एक क्षण के लिए भी, और मैं राजनीतिक रूप से जिस विचार को मानता हूं इसमें व्यक्तिगत विद्वेष और कटुता के लिए कोई स्थान नहीं है। सर आपने इस फैसले से पहले बिहार की जनता से बार बार माफी मांगी, माफी तो कई मरतबा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मांगी, क्या आपको केजरीवाल की माफी मांगने के बाद कुछ वहां से प्रेरणा मिली कि केजरीवाल ने माफी मांगी, दिल्ली की जनता ने उन्हें माफ किया, तो मैं भी ऐसा आखिरकार बिहार में कर सकता हूं? ये सब बातें आप लोग कहते हैं, ये जो चीज है, ये जो आकलन कहिए या ये जो ऑब्जर्वेशन कहिए, ये आपका हो सकता है। बिहार की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, और बिहार की स्थिति है कि हमने 3.5 साल 5 साल के मैंडेट में 3.5 साल काम किया। एक समय ऐसा हमको लगा कि शायद मुझ पर विश्वास की कमी है, लेकिन पिछले दिनों जो मैंने देखा कि लोगों के विश्वास की कमी नहीं है, बल्कि लोग बुरा मानते हैं कि काम क्यों छोड़ा। जब इस बात का एहसास हुआ कि लोगों का भरोसा भी है और मेरे छोड़ने से दुखी हैं, नाराज हैं, तो मुझको लगा कि काम करना चाहिए, तो हम काम करने को तैयार हुए। और अगर भावना के प्रवाह में कोई चूक हुई तो उसको स्वीकार करना चाहिए, तो इसलिए हमने स्वीकार किया। सर पर आपका एक बयान था इस्तीफा देने के बाद नहीं है, कि जब तक बिहार की जनता दोबारा मुझ में विश्वास ना जताए, जब तक मुझे दोबारा मैंडेट ना मिले, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। तो जनता तो यही जानना चाहेगी कि आखिरकार आपको कैसा एहसास हुआ। तो यही था मेरा मनोभाव तो यही था, लेकिन जो पूरे बिहार की स्थिति थी और सब जगह से एक ही आवाज उठने लगी और कोई मेरे कदम का हिमायती नहीं मिल रहा था, अब तो राह चलते लोग कहने लगे कि आपको तो काम करना चाहिए, तो आप क्यों छोड़ दिए, तो लगा कि भाई ये तो आम राय है, तो काम करने लगे, तो ये तो मैंडेट ही हुआ ना। ये आम फीलिंग अगर है, और आज आप पूछ लीजिए लोगों से, लोगों को इसी में थोड़ा ठीक लगा है कि भाई हमने काम करना स्वीकार कर लिया और मन से स्वीकार कर लिया, इसलिए उस स्थिति में तो बदलाव आया ही है। हमारा जो मनोभाव उस समय था और पिछले 8.5-9 महीने के अंदर हमने जो लोगों के मनोभाव को देखा, तो लोगों का जो प्यार है और स्नेह है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते सर जी। और जो लोगों की व्याख्या है लोकतंत्र में तो ज्यादा मायने रखती है। हमने कुछ सोचा, ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन आम राय ये है, आम सोच ये है कि ये मैंडेट आपको 5 साल के लिए था, आपको काम करना चाहिए था। अच्छा सर, जीतन राम मांझी आज आपके स्वेयरिंग इन सेरेमनी में आए, क्या लालू प्रसाद ने बयान दिया, कहा कि जनता परिवार के दरवाजे जीतन राम मांझी के लिए खुले हैं, उनके दरवाजे तो खुले हैं, क्या नीतीश कुमार के दरवाजे भी जीतन राम मांझी के लिए खुले हैं? नहीं नहीं, हम लोगों ने दरवाजा कहां बंद किया है, वो तो खिड़की वो दरवाजा बंद करके खुद बंद हो गए ना। ये तो पार्टी की मीटिंग में आने के लिए हमने अनुरोध किया और कहा मेरा एक कहा मान लीजिए, पार्टी की मीटिंग में आइए, पार्टी के अध्यक्ष का फैसला है, पार्टी के अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई है। तो दरवाजा हम लोगों ने नहीं बंद किया, दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया था, इसलिए प्रश्न इसका नहीं है। और मुझे जानकारी नहीं है कि लालू जी ने क्या कहा है, लेकिन हम सब लोगों के मन में तो कोई भाव नहीं है। नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नीतीश जी। बात सही है। कल मैंने पटना में मुख्यमंत्री निवास में
जितेन राम मांझी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से सेक्युलरवादी रहा हूं, नीतीश कुमार से मेरा कोई पर्सनल कोई मेरी उनकी लड़ाई नहीं है, अगर नीतीश कुमार मेरे जो गरीबों के हित वाले फैसले हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं तो मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूंगा। तो उन्होंने भी कहा कि उनके दिल के दरवाजे भी साढ़े आठ साल से जो फैसले हो रहे थे वो किसके हित के फैसले हो रहे थे? आपको तो ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि साढ़े आठ साल से जो फैसले लिए जा रहे थे वो किसके हित में फैसले लिए जा रहे थे। इसे चलिए अब इन चीजों को बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने इस काम को दोबारा संभाल लिया है और जो भी क्षमता होगी शक्ति होगी उसकी कोशिश करेंगे और बाकी अब इन बातों का कोई बहुत आज के संदर्भ में बहुत विशेष मतलब नहीं है। नहीं सर है, क्योंकि एक कोशिश की जा रही है कि जितेन राम मांझी एक तीसरा मोर्चा बनाए बिहार में और वो महादलित वोट काटे नीतीश कुमार का आरजेडी का दलित वोट काटे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये 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 वोट की कोई राजनीति नहीं है। जिस दिन बनाया था मैंने आपके भी इंटरव्यू में बता दिया था और सब जगह हम लोगों ने बताया है, एक ही बात को बिला वजह बार बार चर्चा करने से फायदा क्या है। जो बनाया गया था एक अपने कलीग को बनाया था, कास्ट के कार्ड को तो खेलने की पूरी कोशिश हुई, ये चलने वाला नहीं है ये सब चीज। और जो काम है हमारा न्याय के साथ विकास का, ये जगजाहिर है। और कृपा करके अब जो मुख्य बात है, बिहार के लोगों का जो भरोसा है वो ये सुशासन को लेकर है, गवर्नेंस को लेकर है, उसको ध्यान में रखें। क्या आप बीजेपी से पूछेंगे कि नीतीश बनाम कौन असेंबली इलेक्शंस में? दिल्ली में सवाल बड़ा पूछा गया कि केजरीवाल बनाम कौन, क्या बिहार में भी आप पूछेंगे कि सुशासन बाबू के खिलाफ कौन? चुनाव के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा काम है जनता की सेवा, जो सरकार में काम है उसका करना। जब चुनाव का वक्त आएगा तो चुनाव की बात करेंगे, आज चुनाव का वक्त नहीं आया है। हमारी पहचान है काम करने की, हम वो काम करते रहेंगे। सर, लोगों की जो तकलीफ थी पिछले 9 महीने में, काम नहीं हो रहा था, बात हो रही थी, और हम तो काम करने वाले आदमी हैं। ये चुनाव जिस समय शुरू होगा, चुनाव का अभियान, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, हम लोग भी अपनी बात करेंगे। सर, बिहार बीजेपी के एक श्रेष्ठ नेता अपने काम के आधार पर वोट मांगने के लिए जाएंगे। आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आपका विश्लेषण कुछ जातियों को लेकर है, उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये आप अहम बात वोट मांगने जाएंगे काम के आधार पर। सर, एक बीजेपी के सीनियर लीडर बिहार से वोट मांगने जाएंगे, ये इंटरव्यू देख रहे हैं और उन्होंने मुझे एसएमएस किया, वो कह रहे हैं कि अगर हमें नीतीश की पार्टी तोड़नी होती तो हमने तोड़ दी होती, जो भी जुगाड़ करना था वो तो मांझी को करना था। एक बड़ा मैसेज गया कि बीजेपी एक महादलित नेता के साथ खड़ी है और नीतीश लालची है अपनी कुर्सी पाने के लिए। बीजेपी का मानना है कि ये मैसेज गया है बिहार में। ऐसा है किसी ने आपको मैसेज दे दिया और वो जनता की आवाज बन गई? नहीं नहीं, मैं उनका सवाल है सर। यानी तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, ये जगजाहिर है, और कोई कुछ कह दिया उसके आधार पर हम प्रतिक्रिया देने के लिए बैठे हुए हैं? हम जाने जाते हैं इसी काम के लिए, हम जाने जाते हैं अपने काम के लिए। तो आपके काम में पहली आपकी जो प्राथमिकता है वो क्या होती है, उस मुताबिक बात करता है। ये पिछले 2-3 सप्ताह से क्या माहौल बनाया गया? आपको किसी ने अभी इंटरव्यू के दौरान एक मैसेज दे दिया, उसके आधार पर नतीजे पर पहुंच गए? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं सर। क्या दो सप्ताह और तीन सप्ताह माहौल बनाया गया? क्या 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 स्थिति पैदा की गई? लेकिन मैं एक बात आपको कहूं, मैं इस प्रकार के अब विवाद में उलझना मुनासिब नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि अब काम संभाला है हमने तो हम काम करेंगे, हमारे राजनीतिक विरोधी कोई मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम काम करेंगे, हम जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे मुखालिफ कोई पार्टी है, उनके कार्यकर्ता या उनके नेता के प्रति हम प्रतिबद्ध थोड़ी है। सर, आपने अब सीएम की कुर्सी फिर संभाली है बिहार में, यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं? आप 10 में से उनको कितने मार्क देंगे? ये हमको क्यों आप एग्जामिनर बहाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी अपनी सोच है। काम तो आप लोगों को करना चाहिए, नहीं आपके हिसाब से ये करना चाहिए। लेकिन ये सारे मसले अलग से बात किए जाएं,
आज काम संभालने के दिन ये दोनों चीज को मिक्स करने की क्या आवश्यकता है सर? आप ये क्या तो कल तक सारी बात हो ही रही थी। क्या आप मोदी जी से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे सर? जरूर जरूर, क्यों नहीं मांगेंगे? ये तो हमारी पुरानी मांग है और ये हमारी मांग नहीं है, जन जन की मांग है। और अगर नहीं दिया उन्होंने ये विशेष दर्जा, फिर जनता की आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। और हम इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव के दौरान इसके लिए वायदा भी किया था, तो हम इन सब चीजों पर ध्यान दिलाएंगे, सब चीजों पर ध्यान दिलाएंगे। सर आप कह रहे हैं कि आपका फोकस होगा काम पर, नीतीश कुमार की इस वक्त पहली प्राथमिकता क्या है? गवर्नेंस। पर ये तो बहुत बड़ा शब्द है सर, गवर्नेंस। गवर्नेंस का ढांचा खड़ा करने में तो अच्छा लग जाता है, इसमें सब कुछ गवर्नेंस है। कोई जादू की छड़ी तो नहीं कि नीतीश जी बैठ गए कुर्सी पर फट से ऑन हो गई? नहीं 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 नहीं, इतने दिन से कर क्या रहे थे? 8.5 साल किया क्या था हमने? 8.5 साल जो काम किया उसी काम को आगे बढ़ाएंगे, बीच में कोई कमी आई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये तो कोई मेरा कोई एक दिन का काम है, 6 महीने का काम थोड़ी है, ये काम तो लंबे काल से हम कर ही रहे हैं। सर मई से लेके अब तक जब आप सीएम की कुर्सी पर नहीं थे, आपने बाहर बैठे हुए क्या सबक लिए? इस बार जो नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे हैं और पिछले नीतीश कुमार में क्या फर्क जनता देखेगी? बाहर बैठे हुए सबक यही ली कि भावना के प्रवाह में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, लोगों की बात को ठीक से समझना और सुनना चाहिए, यही सबक हमने लिया। सर आप बार बार, मैंने आपसे पूछा केजरीवाल के बारे में, आज भी हम ही को लोग जिम्मेवार मानते हैं ज्यादातर लोग कि भाई आप छोड़ दिए, इसलिए इसमें अगर डिक्लाइन हुआ है या कमी आई है तो आज तो अब उसी को दूर करने के लिए आ ही गए हैं तो कोशिश करेंगे सर। एक जो बड़ा अपनी तरफ से एक जो बड़ा सवाल बार बार उठेगा वो ये कि क्या लालू यादव के साथ खड़े नीतीश कुमार वो पुराने वाले सुशासन बाबू हो सकते हैं? क्योंकि पहले आपके साथ बीजेपी खड़ी थी, अब एक ऐसा शख्स जिस पर आपने बार बार वाद किया कहते हुए कि ये आतंकराज चलाता है बिहार में, अब जब लालू जी बार बार फोन करेंगे नीतीश जी एसपी बदल दीजिए, डीएसपी बदल दीजिए, डीएम बदल दीजिए, कैसे होगा गवर्नेंस? नहीं नहीं, आप इन सब बातों की चिंता न करें, इसलिए कि जो गवर्नेंस का काम है वो चलेगा। और नहीं, पर ये लोग तो आपके सहयोगी हैं ना सर? काम है, ये तो आपके सहयोगी हैं, आपको इनकी बात तो माननी पड़ेगी। हैं तो आप हमारे सहयोगियों के बारे में ऐसी राय रखे हुए हैं सर? वो तो आप ही की राय है, ये तो आप ही की राय। मैं तो वही बोल, आतंकराज तो आप ही कहते थे सर, आतंकराज तो आप ही कहते थे। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरे बिहार से आतंक को खत्म करके दिखला भी तो दिया। नहीं, वो तो आपने दिखाया ना, वो तब तो जब लालू विपक्ष में बैठे थे, अब तो लालू आपकी साइड पे हैं। यह तो आपके मन में उठा हुआ काल्पनिक प्रश्न है। मैं जब कह रहा हूं कि गवर्नेंस के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, उस पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और बाकी के प्रश्न तो फ्रेम आप कर रहे हैं ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका सच्चाई से कोई वास्ता हो। नहीं पर तो आपके मन का एक अंदेशा नहीं, नहीं सर, मेरे ही मन का नहीं, जिसको मैं तो वीकेंड पर पटना में ही था, तो आपके मन का है। मैंने तमाम लोगों से बात की, सड़कों पे भी लोगों से बात की, उनके सबके जहन में आपको लेके तो अच्छी छवि है, लेकिन वो कहते हैं कि जब लालू जी साथ में है क्या नीतीश जी का छूट होगी काम करने की? ये मेरे ही नहीं, सबके मन में यही सवाल है सर। अब तो लोगों को दिखाई पड़ेगा ना, कुछ चीजें की जाती हैं, कही नहीं जाती, मेरा विश्वास करने में है, कहने में नहीं। आपने मुझको फिर आज भी वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिहार को काफी नुकसान हुआ पिछले कुछ महीनों में, अब देखना होगा कि क्या जो वक्त आपके पास बचा है उसमें आप बिहार को एक बार फिर पटरी पे ला पाते हैं या नहीं। ये थे बिहार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, जो कि बात कर रहे थे आज तक से।